एक बार भगवान बुद्ध के दो शिष्य उनसे मिलने जा रहे थे। पूरे दिन का सफर था। चलते चलते रास्ते में एक नदी पड़ी। उन्होंने देखा कि उस नदी में एक स्त्री डूब रही है। बौद्ध भिक्षुओं के लिए स्त्री का स्पर्श वर्जित माना जाता है। ऐसी दशा में क्या करना चाहिए? उन दोनों भिक्षुओं में से एक ने कहा, हमें धर्म की मर्यादा का पालन करना चाहिए। स्त्री डूब रही है तो डूबे, हमें क्या। लेकिन दूसरा भिक्षु अत्यंत दयावान था। उसने कहा, हमारे रहते कोई इस तरह मरे, यह तो मैं कभी भी सहन नहीं कर सकता। इतना कहकर वह पानी में कूद पड़ा और डूबती हुई स्त्री को पकड़ लिया। कुछ समय पश्चात कंधे का सहारा देकर वह उसे किनारे पर ले आया। दूसरे भिक्षु ने उसकी बड़ी निंदा की। रास्ते भर वह कहता रहा कि मैं जाकर तथागत से कहूंगा कि आज तुमने मर्यादा का उल्लंघन करके कितना बड़ा पाप किया है। दोनों बुद्ध के सामने पहुंचे तो दूसरे भिक्षु ने एक सांस में ही सारी बात कह सुनाई। बंते, मैंने इसको बहुत रोका पर यह नहीं माना, बड़ा भयंकर पाप किया है इसने। बुद्ध ने उसकी बात बड़े ध्यान से सुनी, फिर पूछा, इस भिक्षु के द्वारा उस स्त्री को कंधे पर बाहर लाने में कितना समय लगा होगा? भिक्षु ने कहा, कम से कम 15 मिनट तो लग ही गए होंगे। बुद्ध ने पूछा, इस घटना के बाद यहाँ आने में तुम लोगों को कितना समय लगा? भिक्षु ने हिसाब लगाकर उत्तर दिया, यही कोई 6 घंटे। बुद्ध ने कहा, भले आदमी, इस बेचारे ने तो स्त्री को 15 मिनट ही अपने कंधों पर रखा, लेकिन तू तो उसे पिछले 6 घंटों से अपने मन में ढो रहा है। अब बोल, दोनों में बड़ा पापी कौन है? बेचारा भिक्षु निरुत्तर हो गया। वह समझ गया कि मन की बड़ी महिमा होती है। दोस्तों, जो लोग एक ही बात को बार बार सोचते रहते हैं, वे पास्ट और फ्यूचर के बीच ही झूलते रह जाते हैं। ऐसे लोगों के साथ ये भी बहुत ज्यादा होता है कि जब उन्हें कोई कुछ बोल देता है तो वो तो बोलकर निकल जाता है, लेकिन ये लोग उस छोटी सी बात को बार बार सोचकर अपने मानसिक बोझ को और ज्यादा बढ़ा लेते हैं। आप एक गिलास पानी को 2, 5 या 10 मिनट तक तो आसानी से हाथ में पकड़े रख सकते हैं, लेकिन अगर वही एक गिलास पानी आपको 1 या 2 घंटे पकड़ना पड़ जाए तो आपका हाथ दुखने लग जाता है। जब आपका हाथ थोड़े से बोझ को लंबे समय तक थामे नहीं रख सकता तो बेकार की छोटी छोटी बातों को पड़े रहकर घंटों घंटों सोचते रहने से आपके उस दिमाग का क्या हाल होता होगा जो बहुत ही छोटी छोटी सूक्ष्म तंत्रिकाओं से बना होता है। इसलिए विचारों के माया जाल से बाहर निकलो और आज में जीना सीखो।